और लिमिट में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये है क्या। तो इसके पहले हम ये देखते हैं परिभाषित राशियां क्या होती हैं और लिमिट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इसके लिए मुख्य फॉर्म है आपकी 0/0, अनंत बाई अनंत, अनंत माइनस अनंत, ये इन चीज़ों के मान अभी तक हमें परिभाषित नहीं। तो जब किसी चीज़ में इस तरह की वैल्यू आती है तो फिर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल कर लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं। मुख्य रूप से अपरिभाषित में 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और उन्हीं से फिर ये फॉर्म भी प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो सात होती हैं, और जैसे हम एक उदाहरण लेंगे। पहले मान लीजिए हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें हम जीरो पे इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो एफ जीरो इक्वल टू होगा साइन 0/0, और 0/0 अनडिफाइंड। तो फिर हम इसके लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे बात ना करके हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसलिए लिमिटिंग वैल्यू में हमें लगभग वैल्यू मिलती है, और जब ये चीज़ें परिभाषित होंगी तो लिमिट की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं जीरो, जीरो से थोड़ा कम पे और ज़्यादा पे। इनफैक्ट जब जीरो से कम और ज़्यादा पे वैल्यू बराबर होगी तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती हैं, उस केस में लिमिट कहा जाएगा कि एग्जिस्ट करेगी और वही उसकी वैल्यू होगी। इसके लिए हमें लिमिट फाइंड करने के लिए हमें जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके हमें डेफिनेट फॉर्मूला आना होगा। तो इसमें हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, कुछ प्रसार भी याद करने हैं। तो प्रसार और जरा कुछ सूत्रों को देखते हैं पहले। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये जो फॉर्मूले हैं इनको भी हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वैसे याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको अब इसमें फॉर्मूले चेक करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल समझना भी ज़रूरी है। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है एल हॉस्पिटल में। तो यदि कोई फंक्शन इस तरह का है, लिमिटिंग लिमिट वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू कोई लिमिट ए है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो और लिमिट रखने पर इसकी फॉर्म मान लीजिए अनंत बाई अनंत या 0/0 आ रही है, उस केस में फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और एल हॉस्पिटल से आंसर चेक करने के लिए हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ एक्स का अलग, जी एक्स का अलग। उसके बाद फिर से लिमिट लेते हैं, वैल्यू रखते हैं, अगर परिभाषित है तो वही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सभी फार्मूलों को भी आप देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स एक होता है, तो इसको भी समझ सकते हैं, एक्स बाय जीरो रखने पर 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो आप अंश का अलग अवकलन करिए, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है एक्स का एक, फिर एक्स बराबर 0 रखेंगे, कॉस 0 क्या होता है 1, तो फिर यहीं से वैल्यू इसकी 1 हो जाती है लिमिट की, और राइट हैंड वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 1 होती है। इसी तरह इसको देख सकते हैं, इनवर्स में भी यही चीज़ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स, साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस, और एक्स का एक, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी एक आएगा। ये इस तरह कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, एक्स टेंस टू ए पर ये हो जाएगा, और टेन इनवर्स ए, और इनको भी हम एल हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं। जैसे ये आखिरी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ए की पावर एन का 0, एक्स का 1 और ए का 0। अब एक्स इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो एन ए की पावर एन माइनस 1, तो इस तरह ये भी फाइंड किया जा सकता है। तो एल हॉस्पिटल से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, और इसको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाना है, लेकिन हर जगह फिर ये वैलिड नहीं होता है। बाकी आंसर चेक करने के लिए आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रसार हैं जिसमें आपको मुख्य रूप से साइन एक्स, कॉस एक्स, और बस दो ही याद करने, साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस दोनों के फॉर्मूले आपको क्लियर रखने हैं।
इसके बाद और फॉर्मूलों को देखते हैं। इसमें लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स का होगा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लॉग वन माइनस एक्स में सब माइनस होंगे और इसका आपको याद रखना पड़ेगा लॉग वन प्लस एक्स का। और इसकी वैल्यू वन होगी लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पे,